फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का फर्जी पोर्टल बनाकर यूपी के मेरठ में करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। इस ठगी में एयरफोर्स का एक अफसर व उसका बेटा समेत कई लोग नामजद किए गए हैं। इस एयरफोर्स अफसर ने पीड़ितों को यह कहते हुए विश्वास दिलाया था कि वे वर्दी वाले लोग हैं, फ्रॉड नहीं करते। फर्जी पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाले इस गैंग ने न केवल मेरठ बल्कि यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा व दिल्ली तक में अपना जाल फैलाया हुआ है। तीन राज्यों के बड़ी संख्या में लोगों को ये चूना लगाकर फिलहाल रफू चक्कर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। दरअसल ठगी का शिकार हुए शशांक ने बताया कि 2019 में मयंक राणा उनके संपर्क में आया, जिसने बताया कि उसके पिता एयरफोर्स में एक बड़े अधिकारी हैं, साथ ही उसके दादा 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। इसके अलावा उसके मामा अनीस मत्ता हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कारोबार करते हैं। लॉकडाउन के समय उसने लोगों से क्रेडिट कार्ड के जरिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पोर्टल पर पेमेंट कराया, जिसके एवज में उसने ब्याज समेत पैसा लौटाने की बात कही। कुछ समय तक पैसा लौटाया भी गया, लेकिन इसके बाद आरोपी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। आइए सुनते हैं शशांक की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये मयंक राणा यहाँ तोपखाना बाजार में रहता है। इसने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर, इसके पिताजी एयरफोर्स में कार्य रहते हैं और दादाजी 71 के शहीद हुए थे वॉर में, तो उन्होंने उसका पृष्ठभूमि बनाकर बोला कि मुझे, मेरे दादाजी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला हुआ है, हमारा हरियाणा में बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का कारोबार है, और उसका इसने, और ये हमारे साथ जॉब करता था, हमारे इसके मामा का लड़का मेहुल भदौरिया वो हमारे साथ काम करता था, उसने हमें, इसने हमें मिलवाया था ये कहकर कि मैं, मेरे बुआ जी का बेटा है और इनका बहुत बड़ा कारोबार है पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का। और हम फिर हम इनके पिताजी से भी मिले, नरेंद्र राणा से, जो कि एयरफोर्स में सीनियर वारंट ऑफिसर हैं। उन्होंने बोला हम वर्दी वाले लोग हैं, गलत काम नहीं करते हैं, आप बेझिझक होकर अपना पैसा लगा सकते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हम पे कर देंगे, 2-3% का मुनाफा भी आपको देंगे। शुरू में 2-3 महीने सही चला, मगर जब धीरे धीरे मेरे साथ मेरे सारे दोस्त जुड़े मयंक से मिलकर, तो फिर एक समय पाके उसने 2-3 महीने बाद ये सारा काम बंद करके वो फरार हो गया अपने घर से। हमने पुलिस को उसकी लिखित में तहरीर दी। पुलिस ये कम से कम सर 5-6 करोड़ की ठगी है, 3-4 राज्यों में चल रही है। एक अन्य पीड़ित रविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। नोएडा, पिलखुआ, मेरठ और दिल्ली के काफ़ी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी इसके खिलाफ जो है दिल्ली में भी एक एप्लीकेशन है, फरीदाबाद में भी एप्लीकेशन है, जो भी पेंडिंग चल रही है, बट उस पर जाँच जल्दी कार्रवाई होगी FIR लॉन्च होने के बाद। झांसा देते थे कि देखिए मेरे साथ इतने लोग लगे हुए हैं, जिसमें से इसमें कुछ नाम आप देख रहे हैं जो टॉप पे हैं, ये इनके कंपनी के उच्च अधिकारी हैं, और उन्होंने उनका क्या, मैं उन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता हूँ, इनमें उन्होंने अपने पिताजी का कार्ड तक के बारे में बता रखा है, नरेंद्र राणा जी के बारे में, कि मैं अपने पिताजी का भी कार्ड लगवा रखा हूँ। तो इस तरीके से ये पृष्ठभूमि बनाते थे कि क्या था, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट होता था, कैसे मुनाफा आता था, ये इस तरीके से दिखाते थे कि हमारा तेल का कारोबार है और हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप को, लोगों को तेल देना होता है, जिसमें से हम टैंकर ऑर्डर करते हैं। तो जनरली टैंकर ऑर्डर करने के लिए हमें कैश की जरूरत से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अब हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पेट्रोल पंप पे वो सारे कैश में होते हैं, बट हमारे पास डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके कारण वो लोगों को ढूंढता था जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो, और लोगों के पास लगता है कि क्रेडिट कार्ड है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, उस पर वो 2-3% मुनाफा देने के वादा करता था और बिल ऑन टाइम पेमेंट देने का वादा करता था। इस बारे में SPCIT विनीत भटनागर ने यह कहा। हाँ, इसमें FIR जांच के बाद हुई है, विस्तृत जांच हुई है, इसमें थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और मेरे लेवल पर इसमें जांच हुई है, और उसके बाद ये अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। जैसे कि परंपरा है इस प्रकार के लेन देन के या धोखाधड़ी के जो मैटर्स होते हैं, पहले इसमें जांच के बाद ये अभियुक्त पंजीकृत किया जाता है। जी नहीं, इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के किसी अधिकारी का नाम नहीं आया। जानकारी आई है कि एक व्यक्ति जिसको नामजद किया गया, उसके द्वारा कुछ कोई फर्जी पोर्टल बनाया गया और अपने जानने वाले लोगों को जो उसके निकट परिचित थे, जिन पर वह विश्वास जमा सकता था, उनके द्वारा इस पोर्टल में कुछ इन्वेस्टमेंट करने को कहा गया और उनको लालच दिया गया। बाद में ये कंपनी से भी स्पष्ट हुआ है कि ये पोर्टल जो है जेन्युइन पोर्टल नहीं है, फर्जी पोर्टल उस व्यक्ति ने बनाया है। उसके द्वारा बताया गया था कि वो वार वेटरन्स का अथवा जो है स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक़ रखता है, इस प्रकार से वो लोगों को अपने झांसे में लेता था। और उसके बाद में विस्तृत जब जाँच करी गई तो पता चला कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी का मैटर है,
जिन्हें अभियोग पंजीकृत किया गया है, पर्याप्त इसमें साक्ष्य मौजूद है। साक्ष्यों के संकलन के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कई लोगों को इसने धोखा दिया है। मयंक राणा व गैंग द्वारा की गई है ठगी केवल मेरठ तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में मेरठ में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्हें क्लब करके मेरठ के थाना टीपी नगर में दर्ज किया गया है। इसमें मयंक राणा, पूनम कुशवाहा, नरेंद्र राणा, मेहुल भदौरिया, अनीस मत्ता, ज्योति मत्ता और हेमंत मत्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि करनाल के कुछ पेट्रोल पंप संचालक भी इस खेल में शामिल हैं। फिलहाल पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सतर्क रहें, कहीं भी पैसा लगाने से पहले कई बार विचार करें, देखें, भालें और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही निवेश करें। जागरूक बनिए और हाँ, खबरों से जालसाजों के प्रति सचेत रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।